इज वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज का ब्लॉग है एक इवेंट के ऊपर। एक्चुअली क्या है, मेरी कंपनी में आज एक इवेंट है और बहुत से लोग जानते नहीं है कि मैं कहाँ वर्किंग करता हूँ, तो आज उन लोगों को भी मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ वर्किंग करता हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो एक तरीके से मेरी पूरी वर्किंग के ऊपर है, वर्किंग डे के ऊपर है। तो कुल मिला के बात ये है कि आज मैं इनके साथ नहीं रहूंगी और ये जा रहे हैं अपने ऑफिस। तो आज ये इनके ऑफिस में है, कोई मीटिंग या फिर कोई फंक्शन कुछ भी मान लो, है ना। तो वो अब ये वहीं का इवेंट है, तो ये वहीं से अपना शूट करेंगे। तो आप देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हाँ, तो ये हो गए तैयार। तो मैं दिखाती हूँ इनका लुक क्या हो रहा है। I'm ready. हो गए तैयार, रेडी हो गए। हाँ, ये ब्लैक कोट शिवानी को काफी दूर है कि मैं इसको क्यों नहीं ले जा रहा, बट आज कस्टमर मीट है तो इसको ले जाना, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, लेकिन इसकी मेरी लाइफ में बहुत जरूरत है गुरु। मैंने तो कही थी तुम्हारी पीठ पे बैठ के चल रही हूँ बेताल की तरह। ना ना, पीठ पे मत बैठो, दब जाऊंगा मैं। तो चलिए गाइस चलते हैं और आपको मिलाते हैं अपने स्टाफ से और अपनी कंपनी से और आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ वर्किंग कर रहा हूँ। मेरी टीम का सबसे बेहतरीन बंदा है दीपक गहलोत, जो टूंडला रहता है। तो अभी हम आ चुके हैं राष्ट्रदीप होटल और यहाँ हमारा इवेंट है। हम लोग पहले आ गए हैं, अपना प्रोजेक्टर वगैरह लगा के देख लेते हैं वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चलिए चलो आपको दिखाते हैं राष्ट्रदीप होटल अंदर। जो मारुति इवेंट हो रहा है वो हॉल कौन सा है जरा आप दिखाएंगे, प्रोजेक्टर वगैरह चेक करना। इधर जाना है ऊपर बेटा, दीपक कहाँ जा रहा है, ऊपर भाग रहा है इधर उधर, चल ऊपर। जरा चेक करवाओ यार प्रोजेक्टर वगैरह कहाँ है अपना, है ना। काफी अच्छी लोकेशंस हैं और आप काफी अच्छे हॉल दिए हुए हैं राष्ट्रदीप। आप देख रहे हैं काफी स्पेस भी है, 3 स्टार है राष्ट्रदीप। तो आप कोई भी नॉर्मली फंक्शन करना चाहते हैं, जैसे कोई इवेंट है और जैसे कि आप मान के चलिए आपकी मैरिज एनिवर्सरी है या आपकी मैरिज है, रिंग सेरेमनी है, तो आप राष्ट्रदीप में कर सकते हैं। काफी हॉल है इनके पास, काफी स्पेस है और 3 स्टार होटल है तो अच्छा भी है, खाने में भी यहाँ पे बहुत टेस्टी है। हेलो दोस्तों, तो अभी हम खड़े हैं राष्ट्रदीप में और जिस हॉल में हम खड़े हैं उसमें हमारा मारुति का इवेंट है। तो अगर मैं बात करूं इवेंट की तो आज आपको मैं पूरा दिखाने वाला हूं ब्लॉग में कि किस प्रकार का इवेंट है, क्या है। एक तरीके की कस्टमर मीट है जिसमें हम अपने कस्टमर्स को बुलाएंगे, उनके लिए कुछ हमने गिफ्ट ऑफर रखे हुए हैं वो भी आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए आगे होता है क्या। गिफ्ट आ चुके हैं और हमारी टीम का दूसरा बंदा भी आ गया, योगेश चौहान, जो सादाबाद आतरस खंदौली पूरा क्षेत्र देखता है। और ये गिफ्ट आ चुके हैं कस्टमरों के लिए और ये हमारी मारुति की गाड़ी है सुपर कैरी। तो गाइस ये सब है मारुति की टीम, अपने आप में धुरंधर, 5-5, 6-6 गाड़ी बेचते हैं। हमारे दीपक गहलोत, हमारे आर्य हुसैन, ये हमारे शशांक यादव, ये हमारे योगेश चौहान, ये हमारे लक्की यादव और हमारे ध्रुव यादव। तो ये सब हमारी टीम है और मतलब कि ये समझ लीजिए कि कस्टमर को देखते ही गाड़ी बेच देते हैं। सेल्स में सब एक्सपर्ट है और सबको 8-8 साल का एक्सपीरियंस है अपनी लाइन में। स्टैंड ही खोल ले, क्या क्या है, मधुमक्खी है। अरे हाथ की जो दबी जाती खा जाती है।
श्याम जरा सपोर्ट करवाओ, स्टैंडी खुलवाओ, एक स्टैंडी गेट पर लगेगी अभी। कोई काम पेंडिंग मत छोड़ो, कवर गाड़ी में ही डाल देना। आप लोग सिकंदरा पे भी आए थे, अभी हमारे स्पीच चल रही है, आउट लेटर से एक दूसरे कस्टमर से मुलाकात हुई भी, उससे एक दूसरे को जाना पहचाना कि आपने गाड़ी ली, आपको कितना कैसा लाभ हुआ, किस तरह का फायदा हुआ। इसलिए हमने लॉकडाउन के समय अपनी सुपर कैरियर लंगर सेवा में लगा दी। Sweet and spice, throw it all in a cauldron, mix it up real nice, fire in my eyes, stir counterclockwise, I dream of you all night. सेम पेन क्या है मेरे ऐसा ब्लैक।
तुझे बता सबसे ज्यादा खाना किसने खाया है? सुशांत तुमने खाया सबसे ज्यादा? नहीं आइसक्रीम सबसे ज्यादा। कितनी बार खा लिया आइसक्रीम? बस सुनो इस चीज का मेरे पास सबूत है कि आइसक्रीम का किसकी प्लेट देखो। ओह अच्छा अच्छा तो बाद में जो 5 प्लेटें आई है तुमने ही बिगाड़ दी क्या? तेरे कस्टमर की हिस्ट्री बता, वो बरत था उसका पर वो कैसे खाना कैसे खाने लग गया? यहाँ पे कस्टमर कह रहा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा मेरा बरत है, फिर वो क्या हुआ उसे खाना खाने लग गया 2 प्लेट मेरे कस्टमर है उनका नाम मनीष चंद्र, नाम एडिट कर देना नहीं तो बुरा मान जाएंगे, नुकसान हमारा है क्योंकि हमारी कटिंग बहुत बैठने यहाँ पे उसमें भी कुछ नहीं हुआ, थोड़ा हार्ड थे पर मैंने कोई बात नहीं तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ज़्यादा नहीं वो हाई ले रहा हूँ 130 का है, आप भी ले रहे हैं ज़्यादा है कैंसिल कर दो। उसके बाद बेचारे परेशान से पन्नी भी लेके आए थे साथ में, इसमें साफ पैक करा देना। मैंने पूछा भाई मैनेजमेंट में दे भैया पैकिंग के मतलब व्यवस्था में आए तो कह रहे थे जरा पैकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, दादा का उनका दिल टूट गया, उन्होंने कि व्रत का भाई तो डेली ले सकता हूँ मैं रहता ना, फिर अगले हफ्ते ले लूँगा पर शाही पनीर चिकन नान बटर नान उसके अलावा प्लेन राव क्या है राइस चावल जीरा राइस, हाँ जीरा राइस और बूंदी का राइस आइसक्रीम ये भाई सब मिल नहीं पाएगी। और उम्र है उनकी 70 साल के आसपास और घर वाले देंगे नहीं इतना बढ़िया खाना खाने के लिए, तो आज फेल लो। तो तूने मतलब खाना पैक नहीं कराया इसलिए उन्होंने खाना खा लिया व्रत होने के बावजूद? हाँ उसके बाद उन्होंने खाना खाया। अब ये पता नहीं कितना खाया, 2 प्लेट 3 प्लेट खाए हैं। योगेश ने खाना नहीं खाया खटाई के चक्कर में, जबकि खटाई थी नहीं उसमें, हैं थी इतने आइसक्रीम में खाई। अच्छा आइसक्रीम मारी है उसने 4-5 आइसक्रीम 4-5 शशांक की गिनती कर लो आइसक्रीम नहीं, शशांक ने तो बहुत मारी 4-5 आइसक्रीम मार दी शशांक, कितनी मार दी 4-5 मार दी ना। दो कटोरी रायता खाया बड़ा मजा आया, रायता बढ़िया था।